प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची से लाभुकों का नाम हटाया गया, इससे ग्रामीणों में आक्रोश छाया हुआ है। जिले के हरिहरपुर ओपी क्षेत्र अंतर्गत मजिगावा पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची से लाभुकों का नाम हटाया गया था। 22 सितंबर को कांडी प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी जोहन टुड्डू को इस संबंध में सभी योग्य लाभुकों ने एक लिखित आवेदन दिया था। आवेदन के आलोक में डीआरडीए गढ़वा के द्वारा बुधवार को डीआरडीए के परियोजना पदाधिकारी तकनीकी सहायक के द्वारा स्थल जांच हेतु भेजा गया, जिसमें सूची से नाम हटाए गए लाभुकों के आवास का स्थल जांच किया गया। जयप्रकाश चौबे, लालमुनि राम, नंदू साह, वीरेंद्र प्रसाद सहित कई लाभुकों का आवास जांच किया गया। जांच के दौरान अधिकारी गहनता से निरीक्षण कर रहे थे, जबकि कुछ लाभुकों ने नाराजगी दिखाते हुए पंचायत में बढ़ रही भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायत भी की। अधिकारियों ने जांच के दौरान कहा कि हमारे द्वारा जो वास्तविकता है वही लिखा जा रहा है, किसी को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, योग्य लाभुकों को अवश्य ही आवास दिया जाएगा। मौके पर डीआरडीए से परियोजना पदाधिकारी विमलेश विश्वकर्मा, तकनीकी सहायक हंसानंद स्वामी, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अशरफी राम, पंचायत सचिव ललन बैठा, स्वयं सेवक सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। R9 भारत के लिए आनंद दुबे की रिपोर्ट, कांडी गढ़वा। माता बनी कुमाता किंतु कोई बन गया जिम्मेवार पिता। मंजिली मुझे छोड़ गई, रास्ते नेपाल लिया है, जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, मुझे ठाकुर ने संभाल लिया है। गढ़वा जिले के कांडी थाना क्षेत्र अंतर्गत 9 महीने गर्भ में पाल कर जन्म देते ही मां ने बेटी समझकर मरने के लिए फेंक दिया। ठंड से कांप तो रही थी किंतु स्वस्थ थी। बेटी समझकर फेंकने वाली माता तो अवश्य बनी कुमाता, किंतु कोई बना जिम्मेवार पिता। जी हाँ, वाक्य भी कुछ ऐसा ही है। हालांकि बुधवार को गोद लेने के लिए लोगों की भीड़ लग गई, किंतु उसे तो बड़े घराने में अच्छी परवरिश लिखी थी। कहते हैं कि ईश्वर की महिमा होती ही अपरंपार है। बेटी अति भाग्यशाली थी। करवा चौथ के दिन मुन्नू सिंह लक्ष्मी के रूप में उक्त नन्ही सी परी को पाकर पूरे परिवार सहित अत्यधिक प्रसन्न हुए। बता दें कि गढ़वा जिले के कांडी थाना क्षेत्र अंतर्गत सरकोनी पंचायत में स्थित प्रसिद्ध सतवहिनी झरना तीर्थ स्थल से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर द्वारपाल बाबा नामक स्थान के समीप अरहर के खेत में मंगलवार को एक नवजात बच्ची फेंकी हुई मिली थी। पंचायत मुखिया प्रतिनिधि अरुण सिंह को फोन के माध्यम से ज्ञात हुआ तो वे दौड़े दौड़े घटना स्थल पर पहुंच गए। गोद में उठाकर चिकित्सक के पास ले जाकर इलाज कराया, जबकि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भाजपा नेता अजय कुमार सिंह के 30 वर्षीय पुत्र मुन्नू सिंह ने अपने पिता के साथ पहुंचकर बड़े ही लाड प्यार से उसे गोद ले लिया। पंचायत मुखिया मीना देवी ने अच्छी परवरिश के लिए गोद में सौंप दिया। वहीं मुन्नू सिंह ने कहा कि आज से ये नन्ही परी के रूप में मेरी बेटी है, पूर्ण रूप से देखभाल के साथ इसकी अच्छी परवरिश करूंगा। मुन्नू सिंह एक जिम्मेदाराना पिता बन गए। उपस्थित काफी संख्या में लोगों ने श्री सिंह को हृदय से धन्यवाद दिया, साथ ही जय घोष भी लगाया। R9 भारत के लिए आनंद दुबे की रिपोर्ट, कांडी गढ़वा।